मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर आप लोग के एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोग को परसों ही जाना है बोर्ड एग्जामिनेशन को अपने देने, 24 तारीख को, और आज है 22 तारीख। तो यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे बड़े परेशान थे कि सर खंड काव्य हमारे जिले के लिए कौन सा है, हमारे जिले के लिए कौन सा है। तो हम लोग यहाँ पर डिटेल बात करने वाले हैं कि किस जिले के लिए कौन सा खंड काव्य रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पर वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी जो प्रश्न हैं जो, और यहाँ पर जब आप क्वेश्चन बैंक देखते हो क्वेश्चन बैंक में भी आपको दिख जाएगा वहां से भी, लेकिन इसमें दिखाने के पीछे वजह है कि इसमें पूरा आपको सभी मिलेगा, और क्वेश्चन बैंक में कुछ कुछ जिलों को मर्ज कर दिया, दो दो जगह मर्ज कर दिया, तो इसलिए कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों का। तो डियर स्टूडेंट, इसमें देख लीजिएगा पूरा का पूरा ध्यान से, और सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहला जो खंड काव्य आपका होता है, देखिए यहाँ बात होती है जब पहले खंड काव्य की, तो पहला कौन है आपका, पहला है यहाँ पर आपका मुक्ति यज्ञ। कौन सा है, मुक्ति यज्ञ। तो डियर स्टूडेंट, देखिए कानपुर देहात की बात होगी, जौनपुर की बात होगी, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर, बिजनौर, संभल, अंबेडकर नगर, तो ये सभी के सभी जो जिले हैं, इन सभी जिलों में कौन पूछेगा आपका, यही पूछेगा कौन सा खंड काव्य, मुक्ति बोल मुक्ति यज्ञ। कानपुर देहात, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर, बिजनौर, संभल, अंबेडकर नगर, इन सभी जिलों के डियर स्टूडेंट जो है मुक्ति यज्ञ है आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं जो सेकंड है आपका यहाँ पर, देखिए सेकंड खंड काव्य। तो सेकंड खंड का देखिए 5 से 7 नंबर ये आपको आसानी से देकर चलाता है, इसलिए इसको देख लीजिएगा, ड्यूरेशन कंफ्यूजन में मत रहिएगा। यहाँ जो सेकंड है आपका, देखिए सत्य की जीत, जो सेकंड आपका काव्य है खंड काव्य, सत्य की जीत है। झांसी जिला हो गया आपका, बदायूं हो गया, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, बलिया, लखनऊ, इटावा, तो इन जिलों में जो है ड्यूरेशन, देखिए यहाँ पर लखनऊ, इटावा, रामपुर, पीलीभीत, बलिया, प्रतापगढ़, बदायूं, झांसी में जो है सत्य की जीत जो है वो वाला होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं जो तीसरा आपका यहाँ पर दिया गया है, तीसरा जो है देखिए डिविजन यहाँ पर रश्मि रथी है आपका, रश्मि रथी। तो रश्मि रथी में देखिए कौन कौन सा है, रश्मि रथी देखिए वाराणसी, वाराणसी में देखिए आपका क्या है, रश्मि रथी, बुलंदशहर की बात हो गई, मथुरा की बात हो गई, मुजफ्फरनगर की बात हो गई, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया, ये सभी के सभी जो जिले हैं, उन सभी के सभी के जिलों में जो है वो रश्मि रथी आपका पूछा जाएगा, कौन सा खंड काव्य पूछा जाएगा, रश्मि रथी, वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया, इतने जिलों में क्या होगा आपका, रश्मि रथी खंड काव्य जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स हम लोग, देखिए यहाँ पर चौथा जो है आपका आलोक वृत्त, आलोक वृत्त को देखिए किस किस जिले में आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो आपको आलोक वृत्त दिख रहा है, देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आलोक वृत्त जो है वो इलाहाबाद में है, तो इलाहाबाद का नाम जाने गया, बदल के क्या रख दिया गया, प्रयागराज, प्रयागराज बहुत पहले भी था और प्रयागराज फिर से रख दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आलोक वृत्त इलाहाबाद में है, प्रयागराज में, अलीगढ़ की बात हो गई, सहारनपुर, फरुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर और सीतापुर, तो इन सभी में जो आपका खंड काव्य पूछा जाएगा वो आलोक वृत्त पूछा जाएगा। कौन सा खंड काव्य पूछा जाएगा डिविजन, आलोक वृत्त पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका यहाँ पर पांचवा है त्यागपथी। तो डिविजन यहाँ पर जो त्यागपथी दिख रहा है आपको, तो त्यागपथी देखिए कौन कौन से जिले में आपका पूछा गया है, त्यागपथी को बारे में अगर बात किया जाए, तो देखिए त्यागपथी आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालान, जालौन है यहाँ पर, ये जालौन बना लीजिएगा। ठीक है, डिस्टेंस लखीमपुर खीरी गोंडा, तो इतने जिलों में जो आपका है वो त्यागपथी है। ठीक है, त्यागपथी जो खंड काव्य है वो आगरा जिला के लिए, गोरखपुर के लिए, गाजीपुर के लिए, बरेली के लिए, सुल्तानपुर के लिए, जालौन जिले के लिए, लखीमपुर खीरी के लिए, गोंडा के लिए, तो इन जगहों पर जो है आपका खंड काव्य है वो त्यागपथी से पूछा जाएगा। यशवंत बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, एकदम आपने अपने जिले का मिला लीजिएगा। ठीक है, और इसको तैयार कर लीजिएगा, ये एकदम फिक्स रहता है और आपको सटीक नंबर देकर जाता है। और यहाँ पर देखिए जो पांचवे का था, तो दो भाग यहाँ पर आपका छूट गया, दो जिला त्यागपति का, शाहजहांपुर और बाराबंकी भी जो है ये भी क्या है आपका, देखिए शाहजहांपुर और बाराबंकी में भी आपका आलोक वृत्त ही रहेगा। ठीक है, ये चीज को देख लीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत रहिएगा इसमें। ठीक है, त्यागपति में देखिए क्या है, त्यागपति कहाँ पर, शाहजहांपुर और बाराबंकी में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जो है आपके, तो यहाँ पर जो आपका छठवां है और ये लास्ट है आपका, तो छठवें मीडियो से देख रहे हैं कि सरोज कुमार जो होगा छठवां, तो ये मेरठ में, आजमगढ़ में, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद नगर और मऊ और सिद्धार्थनगर, तो ये इतने जो जिले हैं इसमें क्या होगा आपका, सरोज कुमार पूछा जाएगा। तो जहां जहां जिस भी जिले से बच्चे जुड़े हुए हैं इसको पूरी तरीके से फैला दीजिए, ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना रहे कि उसके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाएगा। तो सरोज कुमार कौन कहाँ पूछा जाएगा, मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मऊ, सिद्धार्थनगर, तो इन सभी जगहों पर क्या है, इन जिलों के लिए जो सरोज कुमार खंड काव्य वही पूछा जाएगा। तो इस तरीके से डिस्कशन देखिए आपकी बात हुई पूरी की पूरी, इसको पूरे बच्चों में फैला दीजिए और सभी बच्चों को पता चल जाए कि हाँ उनके राज्य में, उनके जिले में कौन सा पूछा जाएगा।
डियर फ्रेंड्स इसे शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों का कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। देखिए यहाँ पर श्रवण कुमार और यहाँ पर त्यागपति, आलोकवेद, रश्मि रथी, सत्य की जीत और मुक्ति यज्ञ, ये खंड काव्य और सम्मिलित जो जिला है, जिस जिले पर जो पूछा जाएगा वो सामने आपको सम्मुख दिख रहा है। तो डियर फ्रेंड्स इसे ज्यादा ज्यादा फैलाएं और जो मेरा नंबर है 950-690-227 इसे भी छीट दीजिए। और हिंदी का प्लेलिस्ट जो है डीजे सर चैनल पर आप जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट को खोलिएगा तो वहां से कक्षा 12 का पूरा का मेरा पूरा और क्लास 10th का पूरा हिंदी महत्वपूर्ण का प्लेलिस्ट मिलेगा। उस पूरे प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, वो सभी के सभी जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वहां से प्रश्न आपको देखने को बोर्ड एग्जामिनेशन जरूर मिलेंगे। अगर 100 नंबर का पेपर लेते हैं तो उसमें देखिए ये मान चलिए कि 35 से 40 नंबर, 50 नंबर तो आपका क्या होता है, एक नंबर ही, एक नंबर यही होता है, दो नंबर यही होता है। तो लघु, अति लघु और बहुविकल्पी को कभी भी हल्के मत दीजिए, वही आपका परसेंटेज बनाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स एक बार जो है रफली आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर देखकर जाइएगा। खंड काव्य देखिए यहाँ पर है जो जिस जिले का था, जो भी बच्चे कंफ्यूज थे उसको वो लोग सभी बच्चे देख लेंगे, उनको अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, वो अपना एकदम सटीक तरीके से अपना एग्जाम अब दे सकते हैं, अपना मिला लीजिएगा अपने। ये देखिए कोई पढ़ता नहीं है शुरुआत से स्टार्टिंग से, इसको सभी लोग लास्ट में ही पढ़ते हैं कि हाँ भैया हमारा खंड काव्य कौन है, याद कर लिया जाए एक बार अपने खंड काव्य का भी। तो यहाँ पर देखिए मैंने रश्मि रथी खंड काव्य को बना भी रखा है डिस्ट्रेंस, वहाँ पर देखिए कड़क चित्र बहुत ही ढंग से है। देखिए यहाँ पर वाराणसी जिले के लिए बुलंदशहर, उत्तरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्ना और देवरिया के लिए, ठीक है। तो और सभी बच्चे अपना आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप हमें बताइए। और जो भी प्लेलिस्ट है, जो भी आप लोग को देखिए अल्टरनेट पर वीडियो मिल रहा है आपको घंटे, एक एक घंटे, एक एक डेढ़ घंटे बाद चैनल पर मिल रहा है कम से कम रोज 10 या 12, तो उसको डिस्ट्रेंस जरूर देखिए और उसे फैलाइए, उसे ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं इकोनॉमिकल वीकर, उन पर भी जरूर इस चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए। और जो क्लास 9th के बच्चे हैं और क्लास 11th के बच्चे हैं जो कि 12th में और 10th में जाने वाले हैं, उन पर भी इस नंबर को, उन्हें भी इस नंबर से अवगत करा दीजिए कि हाँ एक चैनल है इस पर हमारी तैयारी बेहतर हुई, आप भी उस चैनल पर तैयारी करें स्टार्टिंग से। अब एकेडमी की तरह उन लोग बच्चों की अच्छे से क्लासेस चलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये काम होता है वो तो होता ही रहेगा। अपने जिले वाइज अपना आपका जो यहाँ पर है उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों का न रहे और उसको देखकर आप उसको अच्छे से तैयारी अपनी करके और जाइएगा। ये देखिए बहुत फिक्स रहता है पहले से ही, सभी में देखेंगे जो नायक रहता है, नायिका रहती है, उसका चरित्र देख लीजिएगा, ठीक है। और एक आग जो इंपॉर्टेंट सर होते हैं उसको देख लीजिएगा, सारांश कहानी अगर आप पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत तो आपका काम बन जाएगा। फिक्स ये नंबर रहता है और ये पूरा का पूरा मिलता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर जिले वाइज जो था वो मैंने यहाँ पर बता दिया आप लोग खंड का, ताकि कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना।